आज़ादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में उत्साह के साथ मनाते हुए आयकर विभाग द्वारा वॉकथन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ अपर आयकर आयुक्त एपी मणि ने हरी झंडी दिखाकर किया, जिसमें विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर अपर आयकर आयुक्त एपी मणि एवं संयुक्त आयकर आयुक्त डॉक्टर एबीएस शालिनी, आयकर कर्मचारी महासंघ के सहायक जोनल सचिव शैलेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष कमलावती यादव, उपाध्यक्ष शरदेंदु प्रजापति, संयुक्त सचिव अश्वनी कुमार एवं कोषाध्यक्ष रवि गुप्ता सहित सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर संयुक्त आयकर आयुक्त डॉक्टर एबीएस शाली ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि लंबित मामलों के निस्तारण के लिए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच विशेष अभियान के तहत सभी लंबित ग्रीवांसेस को आयकर अधिकारी के सम्मुख लाकर उसका निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाएगा, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आयकर कर्मचारी महासंघ के सहायक जोनल सचिव शैलेंद्र गुप्ता और संयुक्त आयकर आयुक्त डॉक्टर एबीएस शालिनी ने कहा। तो इस कार्यक्रम की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जिसका मकसद गर्व के उन पलों को याद करना है जिनसे भारत का इतिहास जुड़ा हुआ है। आजादी की ऊर्जा का अमृत, स्वाधीनता सेनानियों से अभिप्रेरणाओं का अमृत, नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आत्मनिर्भरता का अमृत और 75वीं वर्ष का मतलब 75 वर्षों के विचार, उपलब्धियां, एक्शन और संकल्प शामिल है जो स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने में आगे बढ़ने में लाभकारी होंगे। आज हर भारतीय के मन में उत्सव है, क्योंकि हम सभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज भारत भले ही पूरी तरह से आजाद हो गया हो, किंतु इस आजादी के लिए हम सभी ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। 1857 की खूनी क्रांति हो, भगत सिंह जी की शहादत हो, सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी हो, महात्मा गांधी जी के आंदोलन हो, ऐसे असंख्य वीरों के गाथाओं से भारतीय इतिहास जुड़ा हुआ है और इन स्वतंत्रता सेनानियों के गाथाओं से पूरे देशवासियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से अमृत महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और इसी तारतम्य में आज वाकाथन का प्रोग्राम रखा गया है। उत्सव है, इसमें सभी भारतवासी का भागीदारी है और हम सभी को प्रेरणा लेना चाहिए और एक संकल्प लेना चाहिए कि हम तन मन धन से अपनी मातृभूमि का रक्षा करें।
आयकर विभाग गोरखपुर में माननीय मुख्य आयकर आयुक्त इलाहाबाद श्री विनोद कुमार तिवारी सर, माननीय प्रधान आयकर आयुक्त श्रीमती आभा कला चंदा मैम को योग्य एवं कुशल निर्देशन में अपर आयकर आयुक्त एपी मणि सर, संयुक्त आयकर आयुक्त डॉक्टर एबीएस सालनी मैम के कुशल नेतृत्व में वाकाथन का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें माननीय अपर आयकर आयुक्त महोदय श्री एपी मणि सर ने झंडी दिखाकर इस प्रोग्राम को शुरुआत की और ये कार्यक्रम आयकर भवन से होते हुए यूनिवर्सिटी चौराहा से गोलघर होते हुए सीधे टाउन हॉल से हरिओम नगर तिराहे की ओर से होते हुए आयकर भवन की ओर वापस। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जन जन तक अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के वीर गाथाओं को याद दिलाना है जिनके कुर्बानियों के जिनके शहादत की वजह से आज हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है। जैसा कि हम सभी को पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बाकी भारत सरकार के अन्य विभाग भी इंडिपेंडेंस की 75वीं सालगिरह हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। ये कार्यक्रम, ये वॉकथन भी उसी में एक आयोजित कार्यक्रम था। लगभग हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के गोरखपुर के सारे ऑफिसर्स और कर्मचारी यहाँ पे, ऑलमोस्ट 100 की स्ट्रेंथ है हमारी यहाँ पे, और हमने 4 किलोमीटर्स का रन कवर किया है इसमें जागरूकता अभियान के अंतर्गत। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि आज़ादी के 75वीं सालगिरह के अवसर पे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये वॉकथन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ इसी कार्यक्रम के दौरान आयोजित किया गया था, जन जागरूकता और जन सहभागिता को इंश्योर करने के लिए। इस वॉकथन में हमारे गोरखपुर के सभी कर्मचारी और ऑफिसर्स सम्मिलित हुए थे। हम सभी ऑलमोस्ट 100 संख्या में थे और हमने इस सुबह 35 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी को तय किया और इसमें कोशिश यही है कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो भी प्रयास हो रहे हैं उनके और अपनी जन जागरूकता को हम इंश्योर कर सकें। इस अवसर पे मेरी एक स्पेशल अपील है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक स्पेशल ड्राइव चला रहा है। अगर हमारी पब्लिक में किसी को भी इनकम टैक्स से डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है, कोई पेंडिंग ग्रीवांस है, तो वो हमारे सारे ऑफिसर्स के समक्ष आए, उसको प्रस्तुत करें और हम कोशिश करेंगे कि उसको जल्द से जल्द हम उसका समाधान कर सकें। धन्यवाद।